हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपको खरगोश रखना अच्छा लगता है? आपको खरगोश देखना पसंद है? तो देखिए, ये मेरा रैबिट है और बहुत ही प्यारा है। तो ये देखिए इसका क्यूटनेस, देखिए किस तरह से ये कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और इसका क्यूटनेस देखिए देखिए, ये खुद का साफ करते रहता है, ये देखिए। तो इसी तरह से ये अपने आप को साफ करते रहता है। अगर आपको खरगोश के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बने रहिए आप मेरे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको रैबिट कैसा लगता है, प्यारा लगता है या नहीं। तो देखिए, महाशय बेचारे अपने हाथ पैर को साफ कर रहे हैं खुजला खुजला के। तो ये देखिए किस तरह से ये खेल भी रहा है एक तरह से, और इसका एक्टिविटी इसी तरह से रहता है, ये देखिए। और ये पानी पीता है, आप लोग देखिए, आप लोग कितने लोग कमेंट करते हैं कि खरगोश पानी नहीं पीता है, पर आप लोग देख लीजिए, एक मिनट पहले से ये पानी पी रहा था, उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ। तो देखिए, कम से कम एक मिनट फिर ये पानी पिएगा। लगातार गर्मियों के दिन में ना 2 से 3 मिनट पानी पीते हैं, और बहुत बार पीते हैं खरगोश पानी। और देखिए इसका फेवरेट फूड क्या है, तो इसका सूखा हुआ घास बहुत अच्छा से खाता है, हरा हुआ घास भी खाता है, ग्रीन वाले और सूखे वाले दोनों ही फेवरेट है इसके लिए। तो मैं गमले में घास लगा लेती हूँ, नहीं तो कहीं जाती हूँ गार्डन वगैरह में तो वहाँ से निकाल के इसके लिए कुछ ला के रख लेती हूँ। तो ये दुभी वाले घास खाते हैं, इन्हें ज़्यादा वही पसंद है। तो आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं इतना देर आप लोग से बात कर रही हूँ, ये पानी पी रहा है, अभी मुँह भी नहीं ऊपर उठाया है। तो देखिए किस तरह से एकदम चटपटा टेस्टी ले के पानी पिएगा, और जीभ निकाल निकाल के। तो अभी तो ये पी रहा है, और आप देखते जाइएगा इसका एक्टिविटी। हाँ, तो देखिए किस तरह से कर रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? तो ये देखिए इसी तरह से पीता है, और बहुत ही प्यारा लगता है ये। अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है रखने में, बस इसके थोड़ा केयर करने पड़ता है, क्योंकि बिल्ली इसे चपक लेगी तो इसके लिए थोड़ा केयर करना पड़ता है, इसका क्रेज वगैरह साफ करना पड़ता है। और जब इसे आप खोल के रखो तो थोड़ा इसे देखते रहने पड़ता है, क्योंकि बिल्ली ना आ जाए। तो इसके लिए हम लोग केज में रखते हैं, ऐसे हम लोग जब भी रूम में रहते हैं तो इसे खोल के रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब पानी पीना हो गया इसको, और ये अब सोच रहा है कि मैं बाहर निकलूँ। तो यहाँ पर मैं इसे बाहर निकाल चुकी हूँ, और इधर उधर वो घूम लेता है बाहर निकल के। तो देखिए ये निकल रहा है। अगर आप खरगोश रखने के लिए मन बना लिए हैं तो इसमें थोड़ा तो मेहनत लगेगा ही, जैसे आप डॉगी रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, तो उसमें भी खाना देना होता है, तो इसको भी खाना देना होगा। तो इसका पसंद का खाना तो सबसे ज़्यादा घास ही खाता है, बट कभी कभी मैं इसे कुछ दे दिया करती हूँ, क्योंकि ये इसका पसंद बहुत अच्छा है, जैसे चने का दाल भी ये बहुत ही टेस्ट लेके खाता है। और चने को आप भिंगा दीजिए, उसके बाद जब अंकुरन आ जाए तो ये बहुत खाता है। और देखिए ये पत्ता गोभी भी बहुत खाता है, और पानी भी पिएगा साथ में। तो हमेशा मैं केज को साफ करके रखती हूँ, और ये पत्ते गोभी खा रहा है अभी। तो देखिए इसी तरह से इसका एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए चने वाला दाल, देखिए आप लोग खुद देख लीजिए कि कितना प्यार से खाता है। जब तक मैं आपसे बात करती हूँ कभी भी ऊपर ये देखेगा नहीं, खाते जाएगा खाते जाएगा। तो ये भी इसका बहुत ही टेस्टी फूड है। अगर आप रखने के लिए सोच रहे हैं तो अगर आप 2 खरगोश रखना चाहते हैं तो आपका उतना ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलजुल कर खेलते रहते हैं। जब भी आप
इसको खाना दीजिए तो अच्छे तरह से इसे कटोरों को साफ कर दीजिए, और जो पानी देते हैं उसे भी साफ कर दीजिए, नहीं तो इसमें से स्मेल आएगा तो वो नहीं खाएगा। और जब भी इसे आप साफ सफाई रखोगे तो ये बहुत ही अच्छे से रख खाते हैं और इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगा आपको। तो अगर दो रहते हैं तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अगर आपको एक रखना है तो आप इसे अपने साथ रखिए, ज़्यादा इसे खोल कर रखिए, और आपको ज़्यादा प्यार करना होगा इसको, क्योंकि दो रहते हैं तो आपस में खेलते हैं, एक रहेंगे तो आपसे ही अपने औरत से ही प्यार करेगा। तो थोड़ा इसे आपको खेलना होगा, इसके साथ खोल के रखना होगा, इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा आपको। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये खेल रहा है, और इसे पसंद है कि कहीं कोने में जाके ये दुबक जाएगा, कोने में जाके आराम से सोएगा, तो इसे अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चाहता है कि लाइट में ना रहे, अंधेरे में जाके रहे और वहीं पे सो जाएगा। तो बहुत बार ये सोता रहता है, और ये खीरा है तो ये तो यहाँ पे केज इसका साफ हो रहा है। बन्नी इधर भी देखो, तो देखिए यहाँ पे केज साफ हो गया है और इसे अच्छे तरह से धुल गया है केज को नीचे ट्रे, और ये अभी खेल रहा है। अब इसको मैं अंदर रूम में ले जाऊंगी और खीरा दूंगी। तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।